दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं जो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है। यह कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और आने वाले समय में इसका ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी लगती है। हाल ही में सेमीकंडक्टर के फील्ड में टाटा ग्रुप के आने के बाद से इस कंपनी का ग्रोथ स्टोरी और काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है इस सेक्टर में टाटा ग्रुप के आने से। तो जैसा कि हमने पिछले की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर के फील्ड में टाटा ग्रुप के आने से न केवल भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुड न्यूज है, बल्कि टाटा ग्रुप की जो सिस्टर्स कंपनियां हैं उनमें भी एक अच्छा उछाल देखने को और ग्रोथ देखने को मिल सकता है। किसी भी स्टॉक का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टाटा ग्रुप के तीन चार कंपनियों पे तो डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट होगा, जिसमें पहला कंपनी होगा जो टाटा एलेक्सी है, दूसरा कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन, तीसरी कंपनी होगी जो टाटा मोटर्स। तो इन सारी कंपनियों का पे इस सेमीकंडक्टर के फील्ड में आने से काफी असर होने वाला है और आने वाले समय में इन कंपनियों के स्टॉक्स में काफी बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे टाटा का। इस वीडियो में हम टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। तो यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे, आप देख रहे हैं पीवीबी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम टाटा कम्युनिकेशन के शेयर का एनालिसिस करेंगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, आने वाले समय में वो उसका ग्रोथ स्टोरी क्या होने वाला है उस पे भी हम थोड़ा काफी हाई लेवल पे प्रकाश डालेंगे, साथ ही साथ उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और लास्ट में हम स्टॉक का मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे कि अभी जो मार्केट में स्टॉक का स्टोरी है वो क्या कह रहा है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए और अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं या पहले भी डिस्कस किया है कि टाटा कम्युनिकेशन टाटा ग्रुप्स, टाटा सन्स की एक सिस्टर्स कंपनी है। ग्रुप ऑफ कंपनी में एक कंपनी टाटा कम्युनिकेशन है, टीसीएस है, टाटा एलेक्सी है और भी बहुत सारे हैं, अराउंड 40 to 50 मेन उसकी कंपनियां और छोटी बड़ी और कंपनियां तो बहुत सारी हैं। तो अगर हम बात करें इस कंपनी का बिजनेस मॉडल का तो टाटा कम्युनिकेशन क्लाउड, मोबिलिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सहयोग, सुरक्षा और इंटरनेट सेवाओं के लिए काम करती है, राइट। टाटा कम्युनिकेशन दुनिया के लगभग 30% इंटरनेट रूट को संचालित करती है। टाटा कम्युनिकेशन दुनिया के 80% क्लाउड दिग्गजों और 5 में से 4 मोबाइल ग्राहकों से कारोबार करता है, राइट। टाटा कम्युनिकेशन दुनिया की सबसे बड़ी पूर्ण स्वामित्व वाली सबसे साइबर बैकबोन के जरिए काम करती है। टाटा कम्युनिकेशन दुनिया के लगभग 190 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में नेटवर्किंग का Tier 1 IP नेटवर्क पर काम करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है वो काफी डाइवर्स है, किसी एक कंट्री या किसी एक फील्ड पे इसकी डिपेंडेंसी नहीं है। तो कुल मिला के अगर बिजनेस मॉडल की बात किया जाए तो इसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, आने वाले समय में इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने ही वाली है, घटने वाली नहीं है। और दूसरी चीज कि ये एक टाटा की कंपनी है, कहते हैं कि टाटा का नाम बिकता है, तो वैसे ही शेयर मार्केट में टाटा का जो रेपुटेशन है वो काफी अच्छा है। इनके जो एथिक्स और कंप्लायंसेज होते हैं वो काफी क्लियर और क्रिस्टल होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यह स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो
अब हम चलिए देखते हैं कि टाटा स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसका बाकी का डिटेल देखते हैं कि क्या प्राइस पे चल रहा है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका पी रेशियो क्या है। तो अगर हम टाटा कम्युनिकेशन स्टॉक की बात करें तो उसका मार्केट कैप लगभग 60,600 करोड़ रुपए का है वर्तमान में। जो करंट प्राइस अभी जो ट्रेड कर रहा है वो 2,126 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जिसका हाई जो है 2,168 रुपये है और लो जो है वो 1,543 रुपये है इस साल का। स्टॉक पी की बात करें तो ये लगभग 73.6 है, बुक वैल्यू की बात करें तो 62.7 रुपीज का है, डिविडेंड यील्ड ये लगभग 0.79% का देता है, फेस वैल्यू इसका 10 है, मतलब स्प्लिट और बोनस वगैरह का की अपॉर्चुनिटीज है, और आरओसी देखें तो 17.6% है। तो बेसिकली देखा जाए तो जो इसका बुक जो अभी करंट प्राइस है वो काफी हाई है, तो थोड़ा सा ये एक कंसर्न है। बाकी देखा जाए तो ओवरऑल इसका जो परफॉर्मेंस है पीई है वो हाई है। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो अभी लगभग 19 सितंबर को ये लगभग 19 या 20 सितंबर को 1,968 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब ये न्यूज आया जो थर्सडे को न्यूज आया था कि वो सेमीकंडक्टर का प्लांट लग रहा है वहां पे फाइनल हो गया, तो उसके बाद से इसमें एक काफी जंप मिला है और अभी करंटली ये 2,126 सितंबर को 2,145 रुपये पे ट्रेड किया, फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन हुआ है तो अभी 2,126 रुपये पे ट्रेड कर रहा है वर्तमान में। तो देखा जाए तो ये 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, 200 DMA से भी ऊपर चल रहा है। तो कुल मिला के अगर स्टॉक के ट्रेंड की बात की जाए तो ये अभी बुलिश ट्रेंड में है। अब हम इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स लगभग जो आरओई है इसका 126% रहा है। कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 40%, लगभग कंपनी जो है वो 40% का डिविडेंड देती है। अब बताओ जो कंपनी 40% का डिविडेंड दे रही है तो उसके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन वो फेस वैल्यू पे होती है। तो लेकिन ये फेस वैल्यू इसका 62 रुपीज है, जबकि ये ट्रेड जो कर रहा है वो 2,126 रुपये है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, ये काफी हाई प्राइस पे मिल रहा है, और चूंकि सेमीकंडक्टर फील्ड में का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है ये वो ये टाटा कम्युनिकेशन होने वाली है, और साथ ही साथ टाटा मोटर्स को भी बेनिफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनको जो इक्विपमेंट की जरूरत होती है, सेमीकंडक्टर की जरूरत होती है, वो बाहर से इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, साथ ही साथ ये खुद इन्वॉल्व होंगे। हालांकि इसमें टाटा कम्युनिकेशन ये सेमीकंडक्टर फील्ड में ज्यादातर डिजाइन और रिसर्च का काम जो है वो टाटा एलेक्सी के यहाँ और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ होने वाला है, लेकिन फिर भी इसको डायरेक्ट बेनिफिट इस सेंस में भी मिलेगा, इसकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। बट अगर डायरेक्ट बेनिफिट देखा जाए तो इसको जो भी इक्विपमेंट की जरूरत होती थी वो जो बाहर से इंपोर्ट करना होता था उसको अब ये खुद की कंपनी में जब बनेगी तो इनको इजीली और चीप रेट पे अवेलेबल हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी होने वाली है वो काफी तगड़ी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे इसका, अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो वो हमने देख लिया है कि इसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या है इसके। तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 33.9 टाइम्स इन बुक वैल्यू, लगभग 33 गुना ज्यादा अपने बुक वैल्यू से 33 गुना ज्यादा वैल्यू पे ये भी ट्रेड कर रहा है। ये कभी नहीं आता भाई 1,000 रुपये से नीचे, तो कभी मैंने 3-4 साल से देख रहा हूँ 1,000 रुपये से नीचे कभी गया ही नहीं है। और द कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ, हाँ इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा डाउन है, और किसी भी कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। तो जो सबसे बड़ा इसमें डिमेरिट दिख रहा है या ड्रॉबैक दिख रहा है इस स्टॉक का वो यही है कि इसका सेल्स ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी थोड़ा एक कंसोलिडेशन फेज में है, और तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो ये इसका ड्रॉबैक रहा। इसके बाद अगर हम इसकी पियर्स कंपनी की बात करें तो भारती एयरटेल, भारती हेक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया, टाटा कम्युनिकेशन जो ये कंपनी है, टाटा टेली वहाँ TTM ML, रेलटेल कॉरपोरेशन, नजारा टेक्नोलॉजी जो भी है, तो इनका ये इसके पियर्स कंपनी है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स इसका लगभग
सितंबर में सितंबर 2023 में 48,072 करोड़ रुपए था, वहीं दिसंबर 2023 में 5,633 करोड़ हुआ, मार्च 2024 में 5,692 करोड़ हुआ, जून 2024 में 5,633 करोड़ रुपए हुआ। तो थोड़ा सा जून क्वार्टर में इसका डाउन हुआ है सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जहां सितंबर 2023 में ये 1,015 करोड़ रुपए था, दिसंबर 2023 में ये 1,134 करोड़ हुआ, और उसके बाद मार्च 2024 में 1,056 करोड़ हुआ, और जबकि जून 2024 में ये लगभग 1,124 करोड़ था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लगभग इसका डाउन हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन इधर क्वार्टर मार्च क्वार्टर के बाद जो जून क्वार्टर में इसका बढ़ा है, लगभग 21% का बढ़ा है। मार्च 2024 में 207 करोड़ रुपए, जो 52% गिरा था, और बाद में फिर ये जून क्वार्टर में ये लगभग 21% का इसका जंप आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसको 303 करोड़ रुपए का, 333 करोड़ रुपए का जून क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर में भी काफी ग्रोथ हुआ है, लगभग जहां सितंबर 2023 में ये 7.74 रुपीज का वो अर्निंग पर शेयर था, वहीं दिसंबर 2023 में ये 1.57 रुपीज तक गिर गया था, लेकिन मार्च 2024 में फिर से ये 11.27 रुपीज हो गया, और अभी ये 11 रुपए 68 पैसे है जून क्वार्टर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखिए। तो ये था हमारा क्वार्टरली रिजल्ट। ईयरली रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो जहाँ पहले सेल्स जो था 2022 में 16,725 करोड़ रुपए था, मार्च में वो 17,838 करोड़ रहा, मार्च 2024 में 20,969 करोड़ का हुआ। अगेन सिमिलरली वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो मार्च 2024 में रहा वो 4,230 करोड़ रुपए का रहा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,163 करोड़ रुपए का रहा मार्च 2024 में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 970 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट का। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में लगभग 2% का सेल्स ग्रोथ है एवरेज, 5 ईयर में 5% का एवरेज सेल्स ग्रोथ है, 3 ईयर की बात करें तो 7% का है, और ओवरऑल मिलाएं तो 19% का है। तो कुल मिला के रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में ये डेटा अवेलेबल नहीं है, लास्ट 3 ईयर में लगभग 126% का ग्रोथ आया इसको, मतलब इक्विटी पे जो स्टॉक होल्डर हैं उनको कितना रिटर्न मिला, तो लगभग 3 साल से ये पैसे को लगभग 400 गुना कर दिया 3 साल में इसने, जो अगर कोई 1 लाख रुपए लगाया था तो 3 साल में उसके 4 लाख से ज्यादा लगभग 4 लाख रुपए हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये भी स्टार्ट में तो थोड़ा सा स्लो था, बट लेकिन लास्ट 3 ईयर में रिटर्न ये काफी दे चुका है, तो इसलिए अगर हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये स्टॉक काफी ऊपर आ चुका है। अब इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा काफी एनालिसिस करके, और एक हालांकि आने वाले समय में ये ऊपर ही जाने वाला है, जो क्योंकि देखिए मार्केट भारत इंडिया का मार्केट लगभग आने वाले 5 साल में तो आगे ही जाने वाला है, तो जब और टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से सेमीकंडक्टर का बिजनेस हमने टाटा एंटर किया है तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलने वाला है, बट ये एक देखने वाली बात है जिसको अगेन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ ताकि आप लोग अपने खुद से स्टॉक का एनालिसिस कर सकें, और जो आपको स्टॉक अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकें। मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपको है, क्योंकि क्या होता है कि हम ये यूट्यूब के वीडियो में कोई भी सजेशन देना मुश्किल होता है, क्योंकि आप फिर बाद में वो ट्रैक नहीं हो पाता, मान लो अभी मैं कोई रिकमेंडेशन कर दूं और बाद में आप उसी को लेके बैठे रहे, एंट्री और एग्जिट रिकमेंडेशन का मतलब कि आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री करना है कहाँ पे एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है, वो सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं हो पाती है, उसके लिए आपको पर्सनली या तो मेरे से बात करनी पड़ेगी या तो व्हाट्सएप पे आप पिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी टोटल
लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज भी इसका बढ़ रहा है। जो पहले मार्च 2021 में 21,306 करोड़ रुपए था, वहीं मार्च 2000 में थोड़ा कम हुआ था 22 में, एंड 23 में फिर थोड़ा बढ़ा, 20,519 करोड़ रुपए हो गया, और मार्च 2024 में ये 24,365 करोड़ रुपए का इस पे लाइबिलिटीज है। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो मार्च 2021 में 21,306 करोड़ रुपए का था, वहीं मार्च 2022 में ये लगभग 19,638 करोड़ रुपए हो गया, मार्च 2023 में 20,519 करोड़ हुआ, और मार्च 2024 में ये 24,365 करोड़ रुपए का एसेट भी बढ़ रहा है। कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2024 में निगेटिव है नेट कैश फ्लो, ये थोड़ा सा कंसर्न वाला चीज है। जो मार्च 2000 में लगभग 272 माइनस 272 करोड़ का इसमें माइनस में कैश फ्लो है। तो अगर शेयर होल्डर होल्डिंग पैटर्न अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो लगभग सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एफआईआई ने इसमें 18.9% इन्वेस्ट कर रखा है जून 2024 तक के आंकड़े जो अवेलेबल हैं। डीआईएच ने जो इन्वेस्ट किया है वो लगभग 13.15%, ये भी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है। थोड़ा सा एफआईआई का स्टेक डिक्रीज हुआ है दिसंबर 2023 से और जून 2024 के बीच में, बट वो बहुत छोटा, ये लगभग 1% से भी कम का डिक्रीज हुआ है, क्योंकि प्राइस हाइक मिल गया था तो बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक किए होंगे। पब्लिक के पास ये लगभग जितने भी अच्छी कंपनियां होती हैं उनके यही खासियत होती है कि उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट काफी कम होता है। देखो इसमें भी लगभग 9.91%, लगभग 10% से भी कम का इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। तो कुल मिला के अगर इस कंपनी का एनालिसिस किया जाए तो फाइनेंशियल काफी तगड़ा है, कंपनी का पेरेंट कंपनी का एक मार्केट में काफी बड़ा रेपुटेशन है, इंडिया के अंदर टाटा ग्रुप का एक ब्रांड है जो हर किसी को पता है। आने वाला जो इसका बिजनेस मॉडल है वो आने वाले समय के लिए काफी ब्राइट है, उसका फ्यूचर काफी अच्छा दिखता है। तो इस पैरामीटर पे हालांकि कुछ इसके सेल्स ग्रोथ में इशू है, कैश फ्लो का भी कुछ इशू है, बट थोड़ी बहुत, ये इतनी बड़ी ग्रुप है कि इसमें 100-200 करोड़, 400 करोड़ रुपए का ऊपर नीचे में वैसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, ये कहीं से भी मैनेज कर लेती है, क्योंकि इसका एक ब्रांड है और उसकी एक वैल्यू है मार्केट में। लेकिन फिर भी अगर हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट का या जो शेयर मार्केट का रूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं। अब हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के नजरिए से ट्रेड की बात कर लें तो अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो अभी के प्राइस में हमें एंटर करना थोड़ा सा रिस्की लगता है। अगर ये स्टॉक लगभग 20 डे या 200 मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो वहां पे हम लगभग 1800 या 1850 के रेंज में अगर आता है ये स्टॉक तो हम वहाँ पे कुछ एंट्री कर सकते हैं, या तो 50 डेज अगर इसमें आपको करना ही करना है, एंट्री लेना है, अगर आप इसकी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको राइड करना चाहते हैं तो आप लगभग 1941 रुपये पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो और अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म की बात अगर करें तो इसके हिसाब से अगर MACD क्रॉस ओवर होता है और या जो चार्ट पैटर्न अभी दिख रहा है वैसा कोई चार्ट पैटर्न अभी एक एन पैटर्न बन रहा है तो वो तो उसका ब्रेकआउट हो गया है, तो जो इसको ग्रो जाना था वो हो गया है, लेकिन अब ये न्यूज बेस जंप भी लिया हो सकता है तो ये थोड़ा करेक्ट हो, उसके बाद जब ये ट्रेंड रिवर्सल करेक्ट होने के बाद ये 2000 के आसपास आके फिर से अगर ये उसको ब्रेकआउट करता है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर हम देखें तो उस समय हम इसमें 1-2 सप्ताह या मूविंग बोलिंजर बैंड को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर साइडवेज के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो लोअर बैंड पे आए तो वहां पे आप खरीद के और अपर बैंड में जाने पे उसको आप एग्जिट कर सकते हो, तो उस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो कुल मिला के देखा जाए अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये कंपनी काफी अच्छी दिखती है, हालांकि इसका जो करंट प्राइस है वो काफी महंगा है, और वॉरेन बफेट के हिसाब से चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो अगर वो प्राइस उसकी उसकी जो बुक वैल्यू है उससे उसकी प्राइस अगर काफी हाई है तो
तो उस हिसाब से हमें उसमें एंटर करने से बचना चाहिए, या अगर आप चाहें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना तो आप डिप आने पे बाय ऑन डिप पे काम कर सकते हैं, या अगर मार्केट करेक्ट होता है या नीचे आती है उस समय आप उसमें एंटर कर सकते हैं, और लंबे नजरिए के लिए आप उसमें बने रहते हैं। हालांकि देखिए ये है कि अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती क्योंकि स्टॉक ऊपर जाने ही वाला है, लेकिन फिर भी एक जिस हिसाब से ये ऑलरेडी काफी भाग चुका है ये स्टॉक, तो उसमें थोड़ा सा सेफर साइड रखना जरूरी होता है क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा है, और इसमें आप स्टॉप लॉस भी जरूर लगाएं चाहे वो बेसिक थोड़ा डीप में हो, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो कुल मिला के ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस टाटा टेक कम्युनिकेशन पे। आप लोगों को यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर किसी भी स्टॉक के बारे में या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट से वो जो भी आप नॉलेज लेना चाहते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।